दोस्तों मालदीव में साल 2023 में 11.2% लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट इंडियन थे और टूरिज्म टू मालदीव के मामले में भारत नंबर 1, रशिया नंबर 2 और चाइना नंबर 3 पे था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने लक्षद्वीप ट्रिप की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड की थी जिसमें वो लक्षद्वीप के बीचेस की खूबसूरती बयान कर रहे थे और इसके अलावा स्नॉर्कलिंग करते भी नजर आए। दोस्तों इन फोटोज पर मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने भारत विरोधी कमेंट किए, उसके चलते भारत में कई इन्फ्लुएंसर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने सोशल मीडिया पे पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। दोस्तों इस मुद्दे के चलते काफी भारतीयों ने तो अपने मालदीव ट्रिप्स कैंसिल किए और तो और कुछ वेबसाइट ने तो मालदीव की बुकिंग लेना भी बंद कर दी। दोस्तों मजेदार बात यह है कि गूगल पे लक्षद्वीप की सर्च परसेंटेज में 3400% की बढ़ोतरी हुई है और टाटा कंपनी ने लक्षद्वीप में 2 नए रिजॉर्ट खोलने की भी अनाउंसमेंट कर दी है। लक्षद्वीप जाने से भारत का फायदा होगा क्योंकि देश का पैसा देश में ही रहेगा और नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी।